हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी काम का है जो अपने टीवी को साउंड बार से कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके टीवी में HDMI ESC पोर्ट है लेकिन साउंड बार में नहीं है। कई ओल्ड साउंड बार होते हैं उसमें HDMI ESC पोर्ट नहीं होता है। और दोस्तों, कुछ साउंड बार या फिर आपके होम थिएटर ऐसे हो सकते हैं जिसमें ऑप्टिकल पोर्ट भी नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ये वीडियो जो आज मैं बता रहा हूँ आपको काम आएगा आपके। इसके अलावा दोस्तों, कुछ टीवीज़ में आपका ऑप्टिकल पोर्ट भी नहीं होता। मेरे पास कई यूजर्स की रिक्वेस्ट आई थी और कमेंट सेक्शन में पूछा था कई लोगों ने कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। दोस्तों, इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो और पहले बनाया था, उसमें मैंने आपका HDMI ऑडियो एक्सट्रैक्टर का यूज़ करके बताया था। उससे मैंने आपको बताया था कि एक साइड में आप DTS सेटअप बॉक्स या फिर MI एंड्रॉयड बॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे साइड में आपको HDMI से टीवी में वीडियो मिल जाएगा और आपका ऑप्टिकल पोर्ट या फिर ऑक्स पोर्ट या फिर RCA कनेक्टर से आपको ऑडियो मिल जाएगी, जैसे कि RCA कनेक्टर होता ही है, इससे आप साउंड बार कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में एक इशू ये आता है दोस्तों कि जो आपके टीवी का इनबिल्ट जो ऐप्स होती है उसकी ऑडियो आपको नहीं मिल पाती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, आपको जैसे दो तीन डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए एंड्रॉयड बॉक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आप सेटअप बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बार बार बदल बदल के लगाना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं सॉल्यूशन जो बताने जा रहा हूँ उसमें मैं HDMI ARC2 ऑप्टिकल या फिर RCA कन्वर्टर का यूज़ करके बताऊँगा। ये एक इटजिन का एक कन्वर्टर मैंने परचेज़ किया अमेजन से, तो इसका मैं अनबॉक्सिंग करूँगा इस वीडियो में और उसके बाद इसको डिफरेंट हम फंक्शन इसके टेस्ट करेंगे और उसको टीवी में और साउंड बार में कनेक्ट करके आपको बताऊँगा कैसे आप HDMI ARC से अपने साउंड बार या फिर होम थिएटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज सारी डिटेल में आगे आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये इटजिन का HDMI ARC2 ऑप्टिकल और RCA कन्वर्टर है, इसमें कोएक्सल पोर्ट भी है, कुछ साउंड बार में आपके कोएक्सल पोर्ट भी होता है, तो इसका अनबॉक्सिंग करके हम देखेंगे। दोस्तों, इसकी प्राइस अमेजन पे 2799 की प्राइस है, तो ये 2799 रुपीज़ में आपको पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों, अभी इस बॉक्स को कट करते हैं और इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये प्लास्टिक में एक रैप है, यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं। उसके बाद इसको ओपन करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, एक ये इस टाइप का ये है आपका HDMI ARC ऑडियो एक्सट्रैक्टर। इस साइड में तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ARC ने यानी HDMI केबल से आपको अपने टीवी के HDMI ARC पोर्ट से यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये ऑन ऑफ करने का एक ये यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इसके अलावा पावर इंडिकेटर है। दोस्तों, ये इस साइड में देख सकते हैं एक ऑक्स पोर्ट भी है, तो इसको चेक कर लेंगे हम बाद में टेस्ट करके, साउंड यहाँ से भी आता है नहीं आता। दूसरी साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तो इसमें RCA वाले पोर्ट हैं आपके, जो इस टाइप की केबल होती है ये भी कनेक्टर में लगती है, रेड और आपकी वाइट वाली केबल, जो साउंड वार आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, एक कोएक्सल पोर्ट भी है, जो कुछ साउंड वार कोएक्सल पोर्ट आता है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं केबल से। और दोस्तों, इसमें एक आपके ऑप्टिकल पोर्ट है SBDIF वाला, तो ऑप्टिकल केबल आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से इस टाइप से। ये ऑप्टिकल केबल ऐसे कनेक्ट हो जाएगी आपकी, इसको टेस्ट करेंगे आप साउंड वार में। और एक दोस्तों, इसमें एक DC के लिए पावर सप्लाई के लिए 5 वोल्ट का एक ये दिया हुआ है पोर्ट। अब देखते हैं इसके अंदर और क्या है। इसमें दोस्तों अडेप्टर नहीं दिया है, केवल एक केबल दी हुई है, तो आपको कोई भी मोबाइल का USB अडेप्टर वो यूज़ करना पड़ेगा, उसमें आप ये केबल कनेक्ट कर सकते हैं। एक साइड में टाइप ए है, दूसरे साइड में आपका ये माइक्रो USB जैसी लग रही है केबल, तो माइक्रो USB वाली पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगी आपकी ऐसे इस टाइप से, तो पावर यहाँ से मिल जाएगी इसको। और एक ये यूज़र मैनुअल इसमें दिया हुआ है, यूज़र मैनुअल में ये सारे पोर्ट्स के बारे में बताया हुआ है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ सारे आउटपुट पोर्ट बताए हुए हैं, यहाँ पे आपके ये इनपुट पोर्ट बताए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे 6 नंबर ये पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3.5 mm स्टीरियो आउटपुट, तो इसका मतलब आपको ऑक्स पोर्ट भी दिया हुआ है, उससे आप सीधे साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं 3.5 mm जैक से भी। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कनेक्शन डायग्राम दिया हुआ है, टीवी के HDMI ARC से इधर कनेक्ट करना है और हेडफोन आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं आपके RCA केबल से, और ऑप्टिकल पोर्ट से आप अपने साउंड बार या फिर पावर एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे मैं आपको इनको सभी फंक्शन को टेस्ट करके बताता हूँ और टीवी को साउंड बार को हम इससे कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, अब इस HDMI ARC अडेप्टर है, इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों, एक साइड में मैंने ये एक पावर कनेक्ट कर दिया है, एक मैंने मोबाइल का चार्जर उससे ही केबल कनेक्ट करके, माइक्रो USB केबल है, तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर आपका टर्न ऑन हो गया है, यहाँ से ऑन ऑफ हो गया, पर इंडिकेटर ऑन ही रहता है ये, तो आपका ये पावर आ गई इसमें। अब मैंने क्या है दोस्तों, ये वाला जो HDMI केबल है अपने TV के HDMI ARC पोर्ट से कनेक्ट कर दिया है, और इस साइड में मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो ARC लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और एक साइड में TV के ARC आउट पोर्ट से कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका कनेक्शन हो गया दोस्तों। इसको ऑन कर दिया मैंने यहाँ से। दोस्तों, सबसे पहले हम ऑप्टिकल केबल से इसको टेस्ट करेंगे, तो ऑप्टिकल केबल से इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से ऑप्टिकल पोर्ट से।
ये दोस्तों यहाँ से कनेक्ट कर दिया मैंने ऑप्टिकल पोर्ट से, और दूसरे साइड में साउंड बार को कनेक्ट कर देता हूँ ऑप्टिकल पोर्ट से। दोस्तों ये साउंड बार यहाँ कनेक्ट हो गई आपकी। अब कुछ कंटेंट हम प्ले करके देखते हैं 5.1 चैनल का, और इसको टेस्ट करते हैं। दोस्तों अब कुछ कंटेंट प्ले करके मैं बताता हूँ, और देखते हैं 5.1 चैनल आपको मिलता है नहीं मिलता ऑप्टिकल के थ्रू। तो ये गाना मैंने प्ले किया है, तो सारे चैनल आप चेक करके देखते हैं। ये वाला आपका सराउंड चैनल हो गया, एक सराउंड ये वाला हो गया आपका, दोस्तों आपका ये 5.1 चैनल काम कर रहा है, सभी चैनल से मुझे साउंड मिल रही है, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। मैंने टीवी में जो आउटपुट सोर्स है वो HDMI सेलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। टीवी की सेटिंग में अगर जाएंगे हम तो यहाँ पे साउंड आउटपुट अगर चेक करेंगे आप, तो साउंड आउटपुट मैंने HDMI सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि HDMI पोर्ट से हमने कनेक्ट किया, भले ही हमने साउंड वायर को जो कनेक्ट किया ऑप्टिकल केबल से कनेक्ट किया है, तो ये आपको कनेक्ट करना है। और दोस्तों दूसरे पोर्ट्स को भी चेक कर लेते हैं, जो आपका RCA केबल है और ऑक्स केबल है उसको भी कनेक्ट करके हम चेक कर लेते हैं साउंड कैसी आती है। दोस्तों अब ऑक्स पोर्ट से कनेक्ट करके देख लेते हैं, ये मेल टू मेल एक ऑक्स केबल है, तो इसको ऑप्टिकल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं, और इधर मैं ऑक्स केबल को कनेक्ट कर देता हूँ, और दूसरी साइड में साउंड बार को कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब इसका सोर्स है, मैं ऑक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ साउंड बार में, एनालॉग या फिर ऑक्स जो भी होगा आपका साउंड बार एम्यूलेटर वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब प्ले करके देखते हैं कंटेंट, तो आपको इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, 2.1 चैनल का साउंड मिल जाएगा, नहीं सराउंड जो चैनल है आपके उसमें साउंड आपको नहीं मिलेगा। तो प्ले करते हैं। दोस्तों मैंने ऑक्स पोर्ट से चेक किया इसको साउंड बार को और अपने होम थिएटर को, तो ये काम नहीं कर रहा है, और मैंने हेडफोन में चेक किया तो आवाज़ नहीं आ रही है। अब RCA पोर्ट से चेक कर लेते हैं, हो सकता है ऑक्स पोर्ट में इसमें इशू हो इस वाले एक्सट्रैक्टर में, तो RCA केबल से आप कनेक्ट करके देख लेते हैं। दोस्तों ये RCA केबल है, तो इससे इसको कनेक्ट कर लेते हैं, वाइट को वाइट से कनेक्ट कर लेते हैं, रेड को रेड पोर्ट से। इसके अलावा ये दूसरी साइड में मैंने एक ये फीमेल टू मेल वाला एक लिया है ऑक्स वाला कन्वर्टर, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट केबल नहीं थी, तो इसको कनेक्ट करते हैं इससे। ये कनेक्ट कर दिया मैंने ऑक्स केबल से, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, और साउंड को टेस्ट करते हैं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। दोस्तों मैंने ये इसको RCA केबल से भी चेक किया RCA पोर्ट से, तो मेरा ये साउंड बार में काम नहीं कर रहा है, और ऑक्सपोर्ट से भी काम नहीं कर रहा था, और हेडफोन में भी चेक किया मैंने ये काम नहीं कर रहा है, ओनली ऑप्टिकल केबल के थ्रू ये काम कर रहा है। दोस्तों हो सकता है ये वाला पीस डिफेक्टिव है, इसमें RCA और ऑक्सपोर्ट काम नहीं कर रहा है, तो हम इसको रिटर्न करके दूसरा मंगा के टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें ये पोर्ट काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये आज हमने एटजिन का जो ऑडियो एक्सट्रैक्टर ये देखा HDMI/AC2 ऑप्टिकल, ये काम करता है, बाकी इसका ऑक्स और RCA पोर्ट में काम नहीं कर रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपने टीवी को साउंड बार से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर टीवी में HDMI/AC है और आपके साउंड बार या फिर होम थिएटर में नहीं है, तो एक मैंने कन्वर्टर यूज़ करके बताया आपको, इटजिन का ये आपका कन्वर्टर है। तो ये दोस्तों HDMI/AC2 ऑप्टिकल तो काम करता है, नहीं ऑप्टिकल केबल के थ्रू तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन RCA केबल और ऑक्स केबल में काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला कन्वर्टर परचेज करना है तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपके होम थिएटर में ऑप्टिकल पोर्ट होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई दूसरा जो HDMI/AC2 ऑडियो एक्सट्रैक्टर है उसका यूज़ करके उसको टेस्ट करके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो का यही एंड करते हैं, और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको ऐसी यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।